Welcome to fifth class of this basic lesson. So हम क्या करने वाले हैं अभी? G का root हम करने वाले हैं. हमने कर लिया C का root, हमने कर लिया C A minor F G. D का root हमने कर लिया D B minor G A. Okay. Now E का root भी हमने कर लिया E A to B five. F का root हमने कर लिया F D minor A sharp और C. अब हम पहुंचे G में. G, E माइनर, C और D. ये बहुत ही सिंपल रूट है, बिल्कुल सिंपल रूट है. और बहुत ही इसमें इतने सारे गाने हैं, बहुत सारे गाने, सारे बॉलीवुड के सॉन्ग, जितने भी नए सॉन्ग आते हैं वो मोस्ट ऑफ द इसमें होते हैं. ठीक है, तो अभी हम G का रूट कैसे कैसे करना है हमें. हम रिदम इसमें ये वाली यूज करें, डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन. ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम देखेंगे G के रूट में कौन कौन सी कॉर्ड आती है. G, देन उसके बाद आती है E माइनर, देन उसके बाद C और D. ये G का बेसिक रूट है एकदम से. ठीक है, अगर कोई और आपको कॉर्ड नहीं पता और ये चार कॉर्ड पता है तो कोई भी गाना आप स्टार्ट कर सकते हो G कॉर्ड में से. ठीक है, तो अभी क्या करना है, हम सीखेंगे पहले G कॉर्ड को कैसे होल्ड करना है. ठीक है, मैं थोड़ा सा इसमें हल्का सा एडवांस करूंगा, हल्का सा, छोटा सा, ताकि आपके आगे आने वाले फ्यूचर में आपको जी कॉर्ड के साथ साथ और भी कॉर्ड शेप्स में आप इम्प्लीमेंट कर सको. ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी पकड़ते हैं, वो भी सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट ऐसे पकड़ने में ना फायदा ये रहता है, इसमें और भी बहुत सारे कॉर्ड्स में आ जाते हैं. जैसे जी कॉर्ड ले लिया, उसके बाद सी कॉर्ड के लिए इन दोनों को नीचे ले जाना पड़ता है. सी कॉर्ड ले लिया या जी कॉर्ड लिया, उसके बाद ये वाली फिंगर यहाँ लगा दी, जी सेवन कॉर्ड बन गया. ऐसे इस तरीके से कॉर्ड बहुत सारी आ जाती है इसमें. अब ये वाली जो कॉर्ड हम लेते हैं ना जी, इसमें पूरा हाथ घुमाना पड़ता है एज अ सी के लिए. ऐसे फिर G7 कॉर्ड लेना, पूरा हाथ घुमाना पड़ेगा ऐसे, तो उससे बचोगे आप और जल्दी भी कॉर्ड चेंज हो जाती है, कॉर्ड जल्दी भी चेंज हो जाती है. तो G कॉर्ड पकड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें तीन फ्रेट दिख रहे हैं, 1 2 3, हमें इसमें से दो फ्रेट यूज करनी है, 1 और 2. और फिंगर कौन सी लेंगे, सेकेंड फिंगर, थर्ड फिंगर और फोर्थ फिंगर. ठीक है, तो सबसे ऊपर वाली जो दो फिंगर है ना, ये दो स्ट्रिंग्स, सिक्स्थ स्ट्रिंग और फिफ्थ स्ट्रिंग, इन दोनों को सबसे पहले होल्ड करना है. सबसे पहले आप ये जो फिंगर है ये यहां पर लगाएंगे, थर्ड फिंगर थर्ड फ्रेट में सबसे टॉप पे रहेगी, सिक्स्थ स्ट्रिंग. और ये जो फिंगर है ये इसके नीचे यहां पर, देखो सेकंड फ्रेट है, सेकंड फ्रेट, ओके फिफ्थ स्ट्रिंग है. और ये वाली जो है लिटिल फिंगर जो है सबसे नीचे फर्स्ट स्ट्रिंग पे लगा लेंगे. ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट इसको आप एक बार सीख लोगे ना, दो तीन दिन लगेंगे, इजी हो जाएगा. शुरू में मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी. तो ये जी कॉर्ड आ गया, देन उसके बाद देखो ई माइनर कॉर्ड बहुत ही इजी हो जाएगा ये वाला जी कॉर्ड लेने के बाद. अब ये वाली जो फिंगर है ना ये यहीं पर ही रहने देना फिफ्थ स्ट्रिंग में, और ये जो फिंगर है इसको आ जाएगी ये फोर्थ स्ट्रिंग, इसके नीचे ये फोर्थ स्ट्रिंग में आ गई और ये आ गई आपकी फिफ्थ स्ट्रिंग में. ये बन गया आपका ई माइनर कॉर्ड इन दोनों से, ये दोनों. ठीक है, एक नीचे है थर्ड स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग ऊपर है, ये बन गया ई माइनर कॉर्ड. ठीक है, सी कॉर्ड के लिए तीन फ्रेट हम यूज करेंगे, 1 2 3, और फिंगर भी 1 2 3. फर्स्ट फ्रेट में फर्स्ट फिंगर, सेकंड फ्रेट में सेकंड फिंगर, थर्ड फ्रेट में थर्ड फिंगर. स्ट्रिंग कौन कौन सी लेनी है, सेकंड 4 और 5, यानी कि 2 4 5, 2 4 5. ये आ गया आपका सी कॉर्ड. उसके बाद आएगा डी कॉर्ड. डी में ये वाली सबसे ऊपर, ये फर्स्ट फिंगर है जो सबसे ऊपर रहेगी, यानी कि थर्ड स्ट्रिंग में सेकंड फ्रेट, और ये सेकंड फिंगर है जो वो सबसे नीचे रहेगी फर्स्ट स्ट्रिंग पर. अभी इसमें जो ये वाली स्ट्रिंग है, कौन सी वाली, सेकंड स्ट्रिंग है, वो जो मिस है वो यहां पर होल्ड करनी है आपको थर्ड फिंगर से, ये लो. ठीक है, तो ये हो गया आपका डी कॉर्ड. सो जी, ई माइनर, सी और डी कॉर्ड समय आ गई हैं.
अब हम देखेंगे हम रिदम कौन सी यूज कर रहे हैं। रिदम हम यूज कर रहे हैं, बहुत ही फेमस रिदम है और बहुत जगह पे यूज होने वाली रिदम है। ये रिदम अगर आपको आ गई तो आधा तो आपने वैसे ही जीत हासिल कर ली। रिदम क्या है? डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन 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 अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन अप डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन अप। एक बार और देखेंगे, डाउन देन उसके बाद अप अप डाउन देन अगेन अप अप डाउन उसके बाद है डाउन अप। अगर मैं इसको कॉर्ड के साथ यूज करूंगा तो देखो कैसा आएगा, डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन अप डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन अप डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन अप डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन अप डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन अप डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन अप डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन अप डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन। सो ये रिदम और कॉर्ड्स थी हमारे पास। नाउ हमें अब क्या करना है, हमें गाने के साथ सॉन्ग के साथ, इसमें बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। एक सॉन्ग जो मैंने अभी किया था वो है, रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने लव स्टोरिया, ये सरिया तेरा इश्क है पिया। तो ये एक ये सॉन्ग आ जाएगा इसमें। और अगर आप सर्च करोगे इंटरनेट पे कि जी कॉर्ड से कौन कौन से सॉन्ग आती है तो बहुत सारी सॉन्ग्स आपको मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। एक अगर मैं पुराना गाना आपको बताऊं तो ओ प्रिया ओ प्रिया प्रिया तुम सा नहीं कोई प्रिया, ओ खुश रहे जहां भी रहे आ जाएगा इसमें। और इसमें राता लंबिया भी आ जाएगा। राता लंबिया कैसे होता है, छम 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 अब राधे तारे केंदे रे सजना तू ही चैन मेरे दिल दा मन ले रे सजना, तेरे बिना मेरा होवे ना गुजारा छड़ के ना जाए मैनू तेरा ही सहारा, काटू कैसे राता ओ सबरे जिया नहीं जाता है बाबरे क्या तलमिया रमियारे कटे तेरे सनिया सनियारे मेरा तलमिया रमियारे कटे तेरे सनिया सनियारे। यह आ जाएगा इसमें गाना, एक बहुत फेमस गाना है लक्की अली का, ओ सनम ओ सनम इन यादों की कसम शाम सवेरे तेरी यादें आती है आके दिल को मेरे यूं तड़पाती है, ओ सनम तेरी यादों की कसम। इसमें डूबा डूबा रहता हूँ आ जाएगा, डूबा डूबा रहता हूँ आंखों में तेरी दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी, अब दिन गुजरते नहीं रातें कटती नहीं तेरी तस्वीर से बातें बनती नहीं। बहुत सारे गाने इस वाले रूट में, बहुत सारे गाने आप प्रैक्टिस करोगे और रिदम को बजाना सीख जाओगे जैसे जैसे, और कॉर्ड्स भी आपको आने लगेंगी। तो रिदम और कॉर्ड्स जब आ जाएंगे आपको तो गाने आपके माइंड में अपने आप आते रहेंगे कि इसमें ये वाला भी गाना हो सकता है, इसमें ये वाला भी गाना हो सकता है। बट रिदम और कॉर्ड्स पे थोड़ा फोकस करो और शिफ्टिंग में थोड़ा ध्यान दो। शिफ्टिंग में समय लग जाता है, थोड़ा समय लगता है उसमें, टाइम लगता है उसमें। शिफ्टिंग के लिए आप वही एक्सरसाइज मैंने बताई थी, डाउन ये एक एक बारी में चेंज करो, ऐसे करोगे तो शिफ्टिंग जल्दी आ जाएगी। नहीं तो रिदम के साथ करो, एक एक रिदम के बाद चेंज करो,
बस थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, हाफ एन आवर आप डेली करो प्रैक्टिस, बहुत अच्छे से प्रोग्रेस हो पाएगी आपकी। थैंक यू सो मच, आई होप आपको सीख रहे होंगे इस वीडियो से जो मैं बना रहा हूँ। थैंक यू सो मच।